सो गाइस बेसिकली अपन बात करने वाले हैं ओप्पो स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ओप्पो ने अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड 12 का और कलर ओएस 12 का अपडेट रोल आउट कर दिया है। ऐसे में कौन से स्मार्टफोन के लिए बीटा अपडेट रोल आउट किया है और कौन से स्मार्टफोन के लिए स्टेबल अपडेट रोल आउट किया है ओप्पो ने, तो दोस्तों बेसिकली बात करने वाले हैं ओप्पो के कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनके अंदर ये दोनों ही अपडेट मिल चुके हैं और कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें यार। वीडियो किसी भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो बनाया तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं ओप्पो के कलर ओएस 12 और एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में। वैसे तो दोस्तों ओप्पो ने ग्लोबली स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का काफ़ी सारे स्मार्टफोन के अंदर अपडेट रोल आउट कर दिया है, बट दोस्तों अगर बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया के कौन से स्मार्टफोन के अंदर ओप्पो ने ये दोनों ही अपडेट रोल आउट किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको बीटा अपडेट मिला है कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला स्मार्टफोन आता है Oppo Reno 4, Oppo Reno 4 Pro, Oppo Reno 5F, उसके बाद Oppo Reno 4F, F19 Pro, F17 Pro, Reno 5, उसके बाद Reno 6, उसके बाद F19 Pro Plus, Reno 6Z और Reno 5 Pro 4G और Reno 5 Pro 5G, उसके बाद Reno 5Z। इन स्मार्टफोन के अंदर आपको ColorOS 12 का और Android 12 का बीटा अपडेट देखने को मिल चुका है। अगर आप इन सभी स्मार्टफोन यूजर्स हैं और अगर आप एक बीटा यूजर हैं तो डेफिनेटली ये अपडेट कर सकते हैं। और अगर बात करें स्टेबल अपडेट के बारे में, ओप्पो ने अपने कौन से स्मार्टफोन के लिए कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट रोल आउट किया है इंडिया के अंदर, तो दोस्तों यहां पर ओप्पो A74 5G, उसके बाद A73 5G, ओप्पो रेनो 5 5G, उसके बाद ओप्पो रेनो 6 5G, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G और ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G के अंदर आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिला है। बट उससे पहले दोस्तों फाइंड X2 और फाइंड X2 प्रो के अंदर और फाइंड X3 प्रो के अंदर ऑलरेडी आपको स्टेबल अपडेट कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का मिल चुका है। अगर दोस्तों आपके पास ये सभी स्मार्टफोन हैं ओप्पो के, इनके अंदर आप स्टेबल अपडेट कर सकते हैं कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का। अगर बात करें दोस्तों बीटा अपडेट के बारे में कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर बीटा अपडेट दिया है, तो दोस्तों उन स्मार्टफोन के अंदर स्टेबल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बीटा अपडेट के बारे में बताया कि इन स्मार्टफोन के अंदर बीटा अपडेट मिल चुका है, तो दोस्तों उनमें जो स्टेबल अपडेट है इसी साल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपको इसी मार्च और अप्रैल के महीने के मिड के अंदर आपको इन सभी स्मार्टफोन के अंदर भी स्टेबल अपडेट देखने को मिल सकता है कलर ओएस 12 का और एंड्रॉइड 12 का। बाकी दोस्तों ओप्पो के अपडेट के बारे में यही था। आपके पास ओप्पो का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो बनाया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।